सिली प्रखंड में आज शनिवार को सांसद संजय सेठ ने मृतक के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। सिली प्रखंड में आज रांची संसदीय क्षेत्र के ग्राम लगाम निवासी मृतक के घर पहुंचकर सांसद संजय सेठ ने पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवारजनों का ढांढस बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके हर सुख दुख में वे साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने जवान के बुजुर्ग माता पिता एवं दो मासूम बेटे से मुलाकात कर संतावना दी। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि SSB के जवान राजेश महतो की विगत 19 जुलाई को पदोन्नति ट्रेनिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी। बुंडू अनुमंडल में आज शनिवार को बुंडू अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर मदन महतो के साथ पिटाई मामले पर युवक सामने आए, साथ ही बुंडू थाने में युवक ने गिरफ्तारी दी है। बुंडू अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर मदन महतो के साथ पिटाई मामले पर युवक सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि पांच परगना क्षेत्र में एकमात्र अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन कभी भी व्यवस्था की सुधार नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अस्पताल की कुव्यवस्था के बीच मरीज का इलाज होता है। हालांकि युवक ने पिटाई करने की बात को कबूल की है। उन्होंने कहा कि पांच परगना क्षेत्र में ऐसे कई पीड़ित लोग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण खोते हैं। हमेशा से व्यवस्था को लेकर अस्पताल में कई बार हंगामा भी हो चुका है, लेकिन कुव्यवस्था अभी तक सुधार नहीं हो पाई है। युवकों का कहना है कि थोड़ी बहुत आवाज उठाने पर ही FIR की जाती है, जबकि इस तरह की समस्याओं का आवाज उठाना सबके अधिकार में है। हालांकि डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले के बाद बुंडू थाना में FIR के बाद पुलिस ने इन युवकों की बेसब्री से तलाशी शुरू कर दी थी, लेकिन युवकों ने आज खुद से गिरफ्तारी दे दी है। सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने आज शनिवार को सिल्ली विधानसभा आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किए। सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किए। झारखंड विधानसभा में युवा विकास खेल कूद एवं पर्यटन विभाग के सभापति आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी समस्त समिति के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित किए, जिसमें सदस्यों ने भाग लिया एवं खेल कूद पर्यटन विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। बुंडू अनुमंडल के सिरकाडीह गांव में आज शनिवार को अचानक बारिश के बाद एक घर से निकलने लगा पानी। लगातार बारिश के बीच एक घर में अचानक जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। इस बात की जानकारी जब गांव वालों को हुई तो देखने के लिए भी भीड़ जुट गई। इतना ही नहीं, पानी को निकालने के लिए मशीन लगाई गई है। पानी को मशीन के द्वारा निकाला जा रहा है। आशंका भी बनी हुई है कि कहीं इस दौरान घर गिर ना जाए। ऐसी स्थिति में जान जोखिम में लिए घर के लोग पानी को निकालने के काम में जुट गए हैं। यह मामला बुंडू अनुमंडल के सिरकाडीह गांव की है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।